इतना प्यार दिया है, गजब के रिएक्शंस आ रहे हैं नॉन भोजपुरी क्लस्टर से कि लोग कह रहे हैं इस तरह के गाने से एक एलिवेशन जो आया है भोजपुरी इंडस्ट्री में, लोग बहुत ही खुश हैं। और पिछले कुछ दिनों में जैसे कि हम लोगों ने पहली झलक रिलीज की वो नंबर 3 पे ट्रेंड कर रहा है, कर रहा था, अभी तो नंबर 2 पे रिलीज कर रहा है। तो राइट नाउ पवन इज ऑन फायर, यूट्यूब चार्ट को कंप्लीटली अपने कब्जे में ले लिया है उन्होंने, सुबह 10 बजे गाना रिलीज हुआ है। और हम लोग इस तरीके के प्यार जो ऑडियंस ने दिया है हमें उसे किस तरीके से थैंक यू करूं। और पवन जी आप जरा बताते हैं कि कैसा था आपका एक्सपीरियंस इस गाने को लेके नर्मदा के साथ। सबसे पहले तो दिल्ली शहर में हमारे मीडिया से जितने भाई आए हैं आप सभी को धन्यवाद और प्रणाम। और हमारा जितने भाई यहाँ पे खड़े हैं बैठे हैं सब सभी को प्रणाम, नमस्ते। आप हैं तो सब है। जैसा कि बद्री भाई ने इतना सराहना किया, क्या है कि देखिए हम सभी कलाकार हैं और हम सब मिल के मेहनत करते हैं। जैसे बद्री भाई हो गए, मैं हो गया, नमिता जी हो गए, सूरज भैया हो गए, हमारा ये एक परिवार है। हम सभी मिल के जब मेहनत करते हैं और ऑडियंस हमारे लिए भगवान है और उनसे जब भर भर के प्यार मिलने लगता है तो एक कलाकार का दिल चढ़ा। थैंक यू सो मच। तो इस प्रोजेक्ट के बारे में बताना चाहूंगा कि सूरज कटोच इज अ फेमस नेम फ्रॉम द इंडस्ट्री एंड ही हैज डन हिज फर्स्ट सॉन्ग इन भोजपुरी। तो सूरज हाउ वाज योर एक्सपीरियंस विद अस? एक्सपीरियंस सबको थैंक यू है कि हमारे लिए आप आए हैं इतनी दूर से सब लोग। और मतलब पहला मेरा पहला वीडियो जो था मतलब डायरेक्शन का वो भोजपुरी से है ये वाला, और सीधे ही मेरे को मतलब एकदम सारे के सारे भगवान मिल गए क्योंकि पवन जी मिल गए मेरे को सीधा ही, मतलब पता नहीं कैसे, और साथ में बद्री जी मिल गए और नम्रता जी मिल गई। और वीडियो तो मतलब मेरे को मेहनत करने की कम जरूरत पड़ गई, वीडियो वैसे ही चल जाएगा बहुत, और वैसे भी ट्रेंडिंग नंबर 1 पे चल रहा है और मेरे को खूब मजा आया वीडियो बनाने में। मतलब मेरे को किसी भी चीज की कोई दिक्कत नहीं हुई, कोई परेशानी नहीं हुई, मतलब जितना पैसा खर्च करवाना था मैंने बद्री जी से वो करवा दिया। मैं बोलना चाहूंगा कि प्रोड्यूसर के पास अगर ज्यादा क्रिएटिव लोग आ जाते तो बहुत परेशानी होती है। नहीं, इन्होंने बहुत कोशिश करी थी कि और पैसा कम करो, ये क्या कर रहे हो, पैसा कम करो, मैंने थोड़ा यहाँ लगाओ थोड़ा वहाँ लगाओ। और पवन जी ने जब सेट देखा तो देख के ही वो मेरे हिसाब से पूरे तरीके से मुझे मजा आ गया सेट देख के। तो मतलब बहुत ही अच्छे से इन्होंने पैसा लगाया है, इससे अच्छा ऐसा लगा हुआ है, मैं आपको इंटरनल बता रहा हूँ, ठीक है। और बाकी सितोष जी हैं, उन्होंने बहुत मेहनत करी, संजय भाई ने बहुत मेहनत करी इसके अंदर, सभी लोगों ने बहुत अच्छे से काम किया। और मतलब मेरे हिसाब से भी नम्रता जी को कुछ बोलना चाहिए यहाँ पर। तो नम्रता, आपका एक्सपीरियंस कैसा था पवन जी के साथ, तो आप शेयर क्यों थॉट कैसा लगा आपको? सबसे पहले आप सबको बहुत बहुत थैंक यू कि आप लोगों ने इतना प्यार दिया, आप लोग यहाँ पे आए इस सॉन्ग के लिए। और बद्री जी आपको बहुत बहुत थैंक यू कि आपने मुझे अपॉर्चुनिटी दी कि मैं इस सॉन्ग के लिए मैंने परफॉर्म कर पाऊँ। और पवन जी के साथ मेरा एक्सपीरियंस बहुत ही अच्छा था, मुझे सच में नहीं लगा कि फर्स्ट टाइम मतलब मैं इनसे मिली हूँ। मैंने इनको बहुत मतलब लॉलीपॉप सॉन्ग तो
कोई ऐसा पार्टी नहीं होगी जहाँ पे लॉलीपॉप सॉन्ग ना चले, तो मुझे नहीं पता था कि मैं इनके साथ इन फ्यूचर काम करूंगी। मुझे मतलब बहुत अच्छा लगा, बहुत कंफर्टेबल लेवल लिया पवन जी ने। थैंक यू सो मच सर कि आपकी मेरी केमिस्ट्री लोगों को बहुत पसंद आई। थैंक यू ऑल ऑफ यू। तो पवन जी से कुछ क्वेश्चंस जो मेरे पास आए हैं तो मुझे पूछने के लिए, मतलब बहुत दिनों बाद हमने पवन जी को इस अवतार में देखा, इतने खुश स्क्रीन के ऊपर जम कर डांस कर रहे हैं, तो पवन जी कुछ बताएंगे ये मतलब ऑडियंस जानना चाहते हैं कि मतलब यूनिट 24 आवर्स का शिफ्ट था और सुबह 7:30-8 बजे भी पूरी यूनिट उसी खुशी के साथ, मतलब लग ही नहीं रहा था कि पवन जी के साथ हम लोगों ने रात भर शूट किया, पूरी एनर्जी के साथ हम लोगों ने काम किया। अब हमारे जो लिरिक राइटर है विजय चौहान, इतने हाई नोट पे हम लोगों ने पवन जी को एक अरसे के बाद सुना पवन जी, तो जनता तो कह रही और चाहिए इस नोट पे गाने, क्या क्या बोलो मैं अपने ऑडियंस को। हम लोगों का मेहनत जब सफल होता है, भगवान रूपी ऑडियंस द्वारा जब भर के प्यार मिलता है तो हिम्मत प्लीज जैसे आप है ना, बस मुझे यही लुक चाहिए, कुछ कटपिट मत करवाइएगा और ना ही कोई कलर करवाइएगा। तो पहली बार आपने सारे गाना हम भोजपुरी से ना पवन सिंह का नेचुरल लुक दिखाया है, इसके लिए भी आपको थैंक यू। लेकिन मतलब प्रोड्यूसर जो होते हैं वो जनरली जैसे अमित सिंह है, उन्होंने जबरदस्त हेल्प किया है हम लोगों को, की जिस तरीके से ये अमित जी हैं।
लेकिन हम लोग गाली सुन रहे थे कि नहीं आएगा तो धमाका आएगा और आज सारे लोग को उम्मीद करते हैं ये गाना ब्लॉकबस्टर होगा और एक बहुत ही अच्छा रिश्ते बनेगा। बिल्कुल थैंक यू सो मच। और इनका जनरली बहुत काम इंडस्ट्री में पिछले ढाई साल हो गए, पर एक गाने के ऊपर जो पवन जी का इन्वॉल्वमेंट है वो मैं बता नहीं सकता। मिक्स मिक्स कैसा हुआ है, लिरिक्स कहाँ पे जाएगा, सॉन्ग्स कैसे होंगे, बहुत ही प्यारा किस्सा सुनाता हूँ मैं कि हम लोग इसे स्क्रैच पे ही शूट करने वाले थे तो पता नहीं जो मेरा दो तीन दिन में शूटिंग होने वाला है ये भी गाना जरा रफली ही ऐसे गवा दी। तो एक जब काम आदमी करता है दिल को अच्छा लगता है और जोश आता है तो किसी भी रेंज पे आदमी पहुंच जाता है और आदमी मैं उसी टाइम गाना उस गाने को पता नहीं लोगों ने पहली बार भोजपुरी का गाना हमने शुरू किया नार सिंह महल का, जो आप सेट देख रहे हैं प्रॉपर वो अगर आप देखेंगे तो बिल्कुल ही वो पुरानी महल ही है नार सिंह महल। एक एक चीज को डेकोर किया और कलाकार के नाते और हम सभी कलाकार को
दिल से मेहनत करना चाहिए और हम लोग मेहनत करेंगे कि हमारी भोजपुरी का लेवल जहाँ है इससे और ऊपर बढ़ता जाए बढ़ता जाए बढ़ता जाए। और सबसे बड़ी बात यह है कि वाकई में सूरज भैया मैंने आपके साथ पहली बार काम अभी आपको यही बैठे रहना है। मेरे लिए क्या किस्सा था कि मैंने इनको ना वहां पर मॉनिटर पे बैठा दिया, मैंने कहा आप अंदर नहीं जाओगे, आप यहाँ बैठ के यहाँ देखो। तो बोलते ठीक है मैं यही बैठूंगा, आप दूसरा सेट लगाइए। मेरे को सेट लगाने में 20-25 मिनट लगे, लेकिन ये वहां बैठे रहे और तब तक वो देखते रहे। तो मेरे लिए वो सबसे बड़ी अचीवमेंट थी कि वो 25 सेट चेंज होता था और सर वहां बैठे रहे, कमरे में भी नहीं गए, बस एक दो बार गए, लेकिन वो हर 5 मिनट में पहुंच गया था। मैंने सारे काम छोड़ के, मेरे पास सिर्फ मिस कॉल्स आती थी, मिस कॉल का कोई फोन नहीं उठाता था और सिर्फ एक के लिए काम कर रहा था। मैं लगातार 2-3 दिन लगातार मैंने उस पर पूरे तरीके से काम किया है और 36 आवर हमने सिर्फ वहां पे वेन्यू में काम किया था। और पूरी टीम ने, बद्री जी की टीम ने सारे करवा, पूरी टीम खड़ी थी वहां पे एक पैर पे। एक पैर पे सबने काम किया स्पीड से और सर भी इतनी जल्दी पहुंच गए सेट पे, मैंने इतनी जल्दी को ले आए इनको और सर पहले आके वहां पे बैठ गए। तो मतलब मेरे लिए सारी, मतलब मेरे लिए बहुत बड़ी चीजें थी हो रही थी उस दिन कि सब कुछ टाइम पे चल रहा था और सब कुछ टाइम पे ओके हो रहा था, लेकिन सर ने बड़ा सपोर्ट किया मेरे को, बाकी खुशी और बद्री जी ने बड़ा सपोर्ट किया था। तो हमारा भी जो एक्सपीरियंस था, ये फर्स्ट टाइम है कि कंप्लीट ज़ेनिथ ग्रुप हैज परफॉर्मड इन वन सिंगल सॉन्ग इन भोजपुरी एंड दे आर ऑल परफॉर्म। कांग्रेचुलेशंस टू द एंटायर ज़ेनिथ टीम कि आप लोगों ने इतना अच्छा काम किया। एक बार ज़ेनिथ टीम के लिए भी लग ही नहीं रहा था कि वो सिर्फ सॉन्ग में डांस परफॉर्म कर दिया है, एक एक चीज में वो इन्वॉल्व थे। अब हम लोग के बीच में बहुत ही प्यारी सिंगर इंडस्ट्री की शिल्पी राज आई हुई है, थोड़ा बेटा आपने बहुत ही जबरदस्त काम किया है इस गाने में। तो कैसा, क्या डिफरेंस लग रहा है इस गाने में जो कौन के साथ आपने किया? तो आप इंडस्ट्री में सबके साथ ही काम करते हैं, लेकिन मजेदार बात क्या है जरा कुछ अगर बता सकते हो। सबसे पहले सबको मेरा नमस्ते, मेरे प्रमेश जी सर को नमस्ते। और डिफरेंट ये है कि जब भी भैया के साथ काम करते हैं कुछ नया ही होता है और आप लोग देख ही रहे हैं मैडम, हाँ ट्रेन कर रहा है और काफी ये अच्छा गाना है और उम्मीद है जल्दी
नंबर वन पे खुशी की बात है। आपके रस्ते में आते आते नंबर वन पे हो चुका। थैंक यू और ये सब आप लोग का प्यार है। थैंक यू सो मच। तो एक और नाम था जो मैं बोलना भूल गया। विक्की जी हैं हमारे जो भाई हैं, हमारे रजत भाई तो हमेशा मतलब हमारे साथ रहते हैं। विक्की जी ने लेकिन जबरदस्त हेल्प किया हम लोगों को। विक्की जी भाई जी के ब्रदर इन लॉ है। और विक्की जी हाथ उठा दीजिए अपना। हाँ ऊपर। सो विक्की जी हमारे पुदीना सॉन्ग के स्टार भाई। आप लोग शुरू करते हैं। आप लोग अपना प्रश्न ले सकते हैं। इस टीम में जैसे हमारे कैमरामैन महेश, हम सभी कलाकार को इतना झुमाया। सूरज भैया, विजय चौहान हमारा छोटा भाई, इस गाने को इतना बढ़िया लिखा है, गाने को सजाया है। और ये शिल्पी हमारी गुड़िया, इतना सुंदर गाई हो। थैंक यू बेटा, थैंक यू बाबू। खूब नाम करो और मेहनत करो और आगे बढ़ो। और काम शुरू होने से पहले हम अपने तरह हीरोइन की तारीफ कर ले। आप बहुत अच्छे हो, बहुत अच्छे आर्टिस्ट हो, खूब आगे बढ़िए। थैंक यू सो मच सर। और कोरियोग्राफ किया है हमारी गीता जी ने। गीता जी अगर नजर आ रही यहाँ पर गए गीता जी, और टीम जेनिथ भी आई हुई है हमारी। यस। और बेसिकली हम मोस्टली शोज में भी ज्यादा होते हैं हम। हेलो, ऑडियो नहीं आ रही है तुम्हारी? हां जी, क्या रिकॉर्ड करेंगे? इतने लोग कैमरा बनाए हैं अभी। आप कैमरा नहीं दे रहे? नहीं आ रही। मीडिया बॉक्स वहां लगा हुआ है ना? हां, वहां मीडिया बॉक्स लगा हुआ। देखिए किसको ऑडियो नहीं आ रही। सर माइक की जगह दूसरी ट्यूनिंग बज रही है। क्या यार, अच्छा मीडिया बॉक्स है। ऑडियो नहीं आ रही। अभी पहले आ रही थी, अब गायब हो गई।